एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ हिंदी। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं प्ले बॉय ऑफ द सेंचुरी इज हियर ओसिमो स्पीक्स ओसामो ओसिमो नहीं नो आइडिया और बहुत सारे रिक्वेस्ट आए। यस एंड इट इज़ फ्रॉम खुजली फैमिली। सॉरी कि हमें इतना देर हो गया इनकी वीडियोस पे रिएक्ट करने के लिए, बट यस फाइनली वी आर गोइंग टू डू इट। ओके खुजली फैमिली का आप लोगों ने तो कमेंट्स कर कर के कितने टाइम से कर रहा है खुजली फैमिली का करो। सो कांट वेट एंड थैंक्स फॉर 50,000 सब्सक्राइबर्स। यस जिसका मतलब है मुझे शेव करना पड़ेगा। मैंने अभी शेप करके ट्रिम करके आया था, कुछ फायदा नहीं। एवरीथिंग विल बी वेस्टेड। मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि नहीं होगा। मैं लिटरली दो दिन पहले जाके मुझे तो करना ही नहीं पड़ेगा शेव, अच्छा से शेप करवा लेता हूँ, ट्रिम करवा लेता हूँ। सो अभी मजा आने वाला है। वी कैन डू अ वीडियो। हम करने वाले हैं क्लीन शेव प्रैंक। अगर उसने इधर कैमरा पे सबके सामने शेयर किया तो भी काफी मजा आएगा। जो भी है आप लोग को बिफोर एंड आफ्टर देखने को मिलेगा, बिफोर शेव एंड आफ्टर शेव। तो जो भी नए हैं इस चैनल पे वो भी सब्सक्राइब कर लो। अभी तो 50,000 क्रॉस हो चुका है, मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ेगा शेव्ड। और सबजन इतने एक्साइटेड क्यों है आपको पता रहना चाहिए कि मैं बहुत ही अगली दिखता हूँ विदाउट बियर्ड। इसीलिए तो आप लोग को मजा आएगा, मुझे नहीं। मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। मुझे पता नहीं ये कौन सा टाइप का वीडियो होने वाला है। बस शायद फनी होते हैं क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि बहुत फनी है वो। सो लेट्स सी, लेट्स एंजॉय। Galitos presents Osmo Speaks. Hello friends and fans, this is Osmo speaking. आ जाओ मेरे सिंगल अजीज लॉन्डो, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नमूने से कराऊंगा जिसके दावे सुन के आपको लबे शीरीन सा लगने लगेगा और आपकी बकचोदी का वक्त शुरू होता है अब। भाई जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, सभी सिंगल भाइयों को एक एक गर्लफ्रेंड दिलाऊंगा, चाहे माल चाइना से क्यों ही ना लाना पड़े, भाई दिलाऊंगा प्रॉमिस। ये टूटी क्लच जैसा मुंह लेके तू घर वालों के लिए दही लेके आ, इतना ही बहुत है। मुख्यमंत्री का तो पता नहीं लेकिन तू मुठिया मंत्री जरूर बन सकता है। साले चूपड़ियां बांट रहा है, लड़कियां बांट रहा है, एक एक को दे दूंगा। नहीं किधर, dalal.com में नौकरी लग गई आपकी। यार चाइना जितना तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ गटर साफ करने के लिए भी कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। और ये भाई तू स्कूल की गली से कभी नहीं गुजरे। यार भाई पता है मैं बीगो पे अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था बट मुझे एक आंटी मिल गई। सॉरी सपना आंटी, आई डोंट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, सॉरी। और जिगर बात सुन, पहले मोहब्बतें टाइम मांगती थी, अब की मोहब्बतें टाइमिंग मांगती है। और जितना तू खत्म आदमी है सपना आंटी के सपने तू 7 जन्मों में नहीं पूरा कर सकता। तो जा, हम नहीं मानते कि सपना आंटी ने तुझे प्रपोजल भेजा। भाई अब सुन ले, मोहब्बत तलाश करने के सफर में सबसे बड़ी जो तुझे रुकावट पेश आएगी वो है तेरी अपनी सेहत। अभी तू पहले कुछ खाने को ढूंढ ले। यार कोई लड़की मुझे अपना सौतेला बॉयफ्रेंड ही बना लो, कसम से रोज 20 रुपए का गोलगप्पे खिलाऊंगा। सौतेला बॉयफ्रेंड, तेरी अम्मा तुझे सगा बेटा मान ले, तू इस बात पे शुक्र कर ले। ये शख्स आखिर किस कबीले से आया है, पैदाइश कैसे हुई इसकी। बहरहाल जब गली मोहल्ले की औरतें आके इसकी माँ से पूछने लगी कि क्या हुआ है, बेटा हुआ है या बेटी, तो उन्होंने कप कपाती आवाज में कहा, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। कोई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड उधार ही दे दो, कसम से यार अपनी बना के रखूंगा। अबे इतना कैजुअली गर्लफ्रेंड उधार मांग रहा जैसे खोखे से गोल्ड लीफ ले रहा हो। भाई तू उधार पे किसी से अकल क्यों नहीं मांग लेता। एक दफा की बात है कि जब ये बंदा पब्लिक बाथरूम में गया तो वहाँ पे उसको कुछ लिखा हुआ मिला, दुनिया चांद पे पहुँच गई तू अभी तक यहाँ बैठा हुआ। तो भाई साहब उसका रिप्लाई भी लिख के आए, जानी मैं भी बस टुई धो के उठ ही रहा था। भाई अब लगता है गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, अब मुझे गर्लफ्रेंड दिलाने वाले को मैं इनाम दूंगा, वो भी 11 रुपए का, जो भी मुझे दिलाए गर्लफ्रेंड जिंदा या मुर्दा। भाई एक चीज तो तू मान ले के बंदी पटाने वाली लकीर तू हिला हिला के मिटा चुका है। अब बात रही 11 रुपए की तो एक काम कर, 1 रुपए का सिक्का अलग कर ले, 10 रुपए वाले नोट को थोड़ा सा रोल करके उसकी बत्ती बना के अपनी मौत के कुएं में जब खुसरे नाच रहे होते तो इस तरह के लोग उनको सिक्के मारते। क्या इनाम की बातें कर रहा है भाई, तो पहले जाके लोगों का उधार वापस कर ले। और भाई साहब कहते हैं बस लड़की हो जिंदा हो या मुर्दा हो, मतलब नवाज चलने से भी कोई गुरेज नहीं। लेकिन इस बात में ना एक टेक्निकल इशू है, मान लेते कि किसी शराबी बाप ने तुझे अपनी जिंदा बेटी दे भी दी, वो तो सदमे में मर जाएगी ना। भाई आजकल के लड़कियों को बॉयफ्रेंड तो स्मार्ट चाहिए, चाहे खुद का मुंह वाइपर जैसा हो। बेटा जब अपना मुंह चूठा वाले पिस्तौल जैसा हो तो लड़कियों में
नुक्स नहीं निकालते यार। लड़कियां आजकल टीवी भी स्मार्ट ले रही हैं, तो तेरे जैसा फूतू क्यों चाहिए होगा उनको। ऐसे लोगों को जब आप समझाते हो यार इश्क मोहब्बत के चक्कर में मत पड़, ये एक उड़ता तीर है, तो कहते हैं लेना है हमें। अब जो आप देखने जा रहे हैं उसके लिए मैं बहुत माफी चाहता हूँ। भाई अगर न्यूटन हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान में पैदा हुआ होता तो उसके ऊपर सेब की जगह बम गिरता, फिर उसका सारा फिजिक्स निकल जाता। बाउरमी राजा जी बैंस चोर बाउरमी। बेटा न्यूटन जिधर भी पैदा हुआ लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि अच्छे टाइम पे मर गया, वरना आज अगर तुझे सुन लेता तो नस काट के हार्पिक पी के खुद को आग लगा के 26वें माले से छलांग मार देता ताकि बचने की कोई किरण ही नजर ना आए। भाई अगर वो पत्थर दिल है तो मैं भी छेनी हथौड़ा लेके बैठा हूँ, मैं भी दिल में जगह बना के रहूंगा। यार तू इसी चीनी है, थोड़े से अपनी कबर क्यों नहीं खोद लेता, कितना ढीठ आदमी है यार। सेहत देखो, कॉन्फिडेंस देखो, रगों में बोनवीटा दौड़ रहा है भैया। आज तू ये सच का कड़वा घूंट पी ले और सुन, हो सकता है कि मुकेश भी मुंह के कैंसर से रिकवर हो जाए और उसकी एयरफोर्स में जॉब लग जाए, फिर उसकी प्रमोशन हो जाए, महीने अंदर वो रोल्स रॉयस ले ले, किसी कर्नल की बेटी से उसका रिश्ता हो जाए, ये सब हो सकता है, लेकिन तुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी। तो बेहतर ये है कि आज इसे 500 रुपया जमा करना शुरू कर दे और किसी अच्छे घराने के खुसरे के साथ साथ फेरे ले ले। अब तो तेरे कंट्री में लॉ भी पास हो गया है, हमारी शटे ले ना। अगर नए हो तो हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। मुझे ऑनेस्टली क्या लगता है इस ये फनी वीडियो था ऑब्वियसली समूह की तरफ से, बट मेरे हिसाब से वो भी ट्रोल कर रहा है जो लड़का है, जो प्ले बॉय ऑफ द सेंचुरी जो है वो भी, उसको भी पता होगा क्योंकि वो कोई बोलता नहीं है जिंदा हो या मुर्दा या फिर 11 रुपए का इनाम, कोई एक्चुअल इससे नहीं करता। मुझे समझ रहा है कि ऑसमो को भी पता है ये ट्रोलिंग ही है, वो बस फनी वीडियो के लिए वो जोक्स के साथ चले जा रहा है, बट बहुत फनी वीडियो था, बट आई थिंक कि वो भी ट्रोल कर रहा है। कोई चांस ही नहीं है कोई खुद को मिरर में, कोई राइट माइंड में रहेगा तो ऐसा सब नहीं बोलेगा। या भी हो सकता है कि कोई मेंटल इश्यू हो तो वो हमें पता नहीं मजाक के लिए, लगता नहीं है लेकिन, बट हु नोस। मुझे सीरियसली लगता है कि ये टोटली ट्रोल है, हम सबको बेवकूफ बना रहा है और जो भी है जिसमें भी उसे व्यूज मिल रहा है, पॉपुलर तो हो चुका है वो। आजकल लोग ऐसे बहुत अजीब अजीब चीजें करते हैं। आई रियली थिंक मेरे को कोई चांस नहीं लगता ये रियल पर्सन है, अगर उसको रियल लाइफ में मिले तो वो बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगा, मुझे नहीं लगता। आई डोंट नो इफ रियल लाइफ में मैं उससे कभी मिलूंगी भी। बट वीडियो काफी फनी था एंड कितना नॉन स्टॉप ही वाज टॉकिंग। मुझे इतना सब कुछ वर्ड्स याद भी नहीं आता फटाफट, और कम्युनिकेशन तो ग्रेट ही है। बट ही वाज रियली, दिस इज रोस्टिंग ना, या रोस्ट ही कर रहा था, या सो मजा आया लेकिन, या बट ग्रेट सजेशन। यस इनफैक्ट आई विल लाइक टू सी मोर ऑफ दीज वीडियोस बिकॉज़ दे आर फनी। या दूसरे लोग का मजाक उड़ते हुए देखने में कुछ अलग, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट कि कोई एक का कोई दूसरा फन कम्युनिकेशन स्किल्स, इसीलिए हम लोग कोई कोशिश ही नहीं करते। हम लोग रोस्ट करने गए तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स सबके सामने आ जाएगा कितना खराब है। हम लोग कोशिश करेंगे किसी और को रोस्ट करने का और होगा हमारा ही रोस्ट। Let's not try it, but yeah, it was a funny video, मजा आ गया। That's it for this video. See you next time. Bye bye.